नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करें फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा नया महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नए महीने में आपका जो मूड रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ। जो आपका एम, जिसका मूड रहेगा, आपके अंदर से कुछ ना कुछ लक्ष्य रहेगा। ठीक है, चाहे वो धार्मिक कार्य के लिए हो, चाहे कुछ एथिकल आपके चेंजेस के लिए हो, कुछ ना कुछ लक्ष्य रहेगा। चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे जॉब के लिए, एक लक्ष्य अपने दिल में रहेगा आपका। और बाहर से जो आपका रहेगा, आप लोगों से मिलना घुलना पसंद करेंगे, त्योहारों का मज़ा लेंगे, यू नो, आपके मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यू नो, एक अच्छे मौसम पर रहेंगे, दोस्तों के साथ मिलना, कुछ नया लोकेशन कनेक्शन बनाना, कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना, इस समय आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूं तो आपका जो इस समय रहेगा, देखिए, लक सपोर्ट करेगा, लक फेवर करेगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा आलसियत यहाँ पर देखा जाएगा। जो लोग त्योहारों का मौसम के लिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फेस्टिवल ले जाएगा, कपड़े हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे आपके होटल इंडस्ट्री हो, फूड ट्रेवलिंग बिजनेस हो, तो इस तरह के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अच्छा समय जाएगा। बिजनेस में अच्छा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया समय है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया, खास करके आपका 20 तारीख के बाद से और भी भाग के आपके सपोर्ट में रहेगा। ठीक है, इसके दौरान अभी सर के पहले कुछ निवेश करना चाहिए, समय तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करके दीजिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में आपको उसको इफेक्ट भी लेना है। शॉर्ट टर्म में वो साइड ना हो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सा इफेक्टिव होगा इसी वजह से। इसके बाद बात करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। अगर मैं जॉब के रिगार्डिंग बात करूँ, अगर आप लग्जरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, सेल्स में इस तरह से कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। इस समय आप मतलब आप अपने जॉब पे शिखर पर जाते हैं, प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना, इंक्रीमेंट होने के चांसेस यहाँ पर साफ तौर के दिख रहे हैं। यू नो, 2020 से 2021 का महीना, नवंबर का महीना आपका पहले से बहुत ही बढ़िया जाएगा। 20 साल के बाद से लक बहुत ज़्यादा फेवर में आएगा और मेहनत आपको थोड़ा करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है काम के दौरान कोई आपके काम में रुकावट के लिए कोई सीक्रेट कोई इंसान रह सकता है, जो आपके कार्य में बीच में टांग लगा सकता है। तो कोशिश कीजिए दुश्मनों को अपने मुस्कुराहट के जरिए से, बातों के जरिए से अपने टीम में लाने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदा है, बजाय आप दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए, दुश्मन को अपने तरफ करने की कोशिश कीजिए अपनी बातों के जरिए से, तभी जाके आपको इस साल, इस महीने आपका जॉब बिजनेस बढ़िया समय रहेगा। इसके बाद करते हैं एडुकेशन वालों के लिए। देखिए, त्योहारों का मौसम रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन बैठेगा नहीं, उग्रता रहेगा। लेकिन जो लोग टेक्निकल फील्ड में है, इस तरह के साथ डॉक्टर रिलेटेड इस तरह टेक्निकल फील्ड के पढ़ाई भी कर रहे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 16 तारीख के बाद से जो स्कॉर्पियो राशि में जाकर कर, उस समय आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे, कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं, उस समय बहुत ही बढ़िया जाएगा। अगर विदेश यात्रा दूर रहते पढ़ाई करना चाहते तो इस समय भी बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग कॉमर्स, जियोग्राफी इस तरह रिलेटेड पढ़ाई कर रहे, यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। अगर मैं लव लाइफ के बारे में बात करूँ, देखिए, कहीं ना कहीं भाग्य सपोर्ट रहेगा, छोटा मोटा यात्रा, छोटा मोटा घूमना जाना चाहते हैं, इस समय बहुत ही बढ़िया है। शुक्र के कृपा से इस पूरे महीने आपके अंदर प्यार, रोमांस, मोहब्बत रहेगा, अच्छे रिलेशनशिप आप फील करेंगे। बच्चों की थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा परेशानी बच्चों से यहाँ पर होने को देख रहा हूँ मैं। अगर ट्रैवलिंग के बारे में बात करूँ, त्योहारों का मौसम है तो बहुत ही बढ़िया आपके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग के लिए, तो यहाँ पर आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते, खास के आपको 16 तारीख के बाद से बहुत सारे मौका मिलेंगे दूर यात्रा करने के लिए। अगर देखिए, इस समय आप घर को रेनोवेट करना, घर को पेंट कराना के लिए बहुत ही सही समय है। अगर घर में निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 2022 तक जो है नया घर खरीदने से पहले, 2022 के बाद आप इसको प्लान कर सकते हैं अपनी तरफ से। अगर हेल्थ के बारे में बात करो, थोड़ा सा यहाँ पर आँखों से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड परेशानी हो सकता है, तो इस सब को छोड़कर अगर आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, सही तरीके से सोएंगे, विटामिन बी और विटामिन डी की कमी अगर पूरा करेंगे, तो कुल मिलाकर हेल्थ के मामले में बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूँगा
यहाँ पर इस समय आपके लिए जो सपोर्टेबल नंबर रहेगा, ठीक है, आपके 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 लिए 5 नंबर, आपके लिए यहाँ पर 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेबल रहेगा, 1 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, ग्रीन कलर और नेवी ब्लू कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे इस साल पहनना, या फिर आप लोग यहाँ पर कैसा भी धारण कर सकते हैं इस समय को बहुत संपूर्ण रखने के लिए। देखिए घर में थोड़ा सा कलेश का वातावरण रहेगा, ये सही है, रीज़न आपका यही है क्योंकि राहु होता है उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी हो सकता है घर में, तो कोशिश कीजिए आप लोगों को चाय पत्ती दान करने के लिए शनिवार को रात को, तो यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, पर शनिदेव को पूजा करने शनि की पूजा करने से भी राहुदेव शांत होते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो लाइक से कमेंट करना, आप लोग फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी देखते हैं ना।